चलिए दोस्तों, हम लोग रेडी हैं, जा रहे हैं अपनी बाइक पर। आ जाइए और अपनी सेल्फी स्टिक बहुत ही हेल्पफुल है, और चल रहे हैं अपने अभी मेले पर शूट करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ गए हैं जो यहाँ पर घोड़ियों का मेला लगा हुआ है। काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, कहीं भी आपने कहा घुमाएंगे तो दोस्तों काफ़ी लंबा चौड़ा ये मेला लगा हुआ है। और मैं और सालम दोनों आए हैं और काफ़ी धूप पड़ रही है दोस्तों, आवाज़ थोड़ी कम आएगी, माइक नहीं है अपने पास अभी। तो चलिए मैं आपको दूसरे एंगल से अभी दिखाता हूँ शूट करके। सो चलिए देख दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मैं कुछ जो कि सामान वगैरह आया हुआ है मेले में, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर घोड़ियों का मेला है, उनका सामान जो वगैरह बहुत कुछ आया हुआ, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है ये, और 6 दिन हो गए इस मेले को। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी सारा यहाँ पर जो भी सामान है सब कुछ आपको दिखाऊंगा मैं अभी। दोस्तों ये कुछ अपने घोड़ों के लिए जो कि उनकी प्रोटीन होती है, उनका सामान वगैरह है, आप देख सकते हैं। विलेज के भी भाई कुछ हैं जिनकी घोड़ियाँ आई हुई, वो अभी तक मिले नहीं है अपने को, मिल गए तो अब मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, हेलो गाइस, हाँ तो वो अभी मिले नहीं यार, उनसे मिलवाऊंगा मैं आपको। नहीं यार, बाकी जो भी है शूट कर लेते हैं, अब आए हैं तो तो हेलो हाय भी मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से। ₹250 का एक है मिल्क बादाम, काफ़ी महंगा है यार। सो दोस्तों इस मेले में आए हुए कुछ मिल्क बादाम, ये आप देख सकते हैं, और इसका कॉस्ट है ₹50, कॉस्ट कुछ ज़्यादा है। चलो देखते हैं ट्राई करके, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है यार और मेला भी बहुत ज़्यादा बड़ा मेला है यार, क्या करें अभी। चलो इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा और शूट करते हैं। सो दोस्तों ये देख सकते हैं जो कि यहाँ पर मेले में लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने घोड़े, उनके नाश्ता पानी है। कहाँ से आए हुए हैं भाई साहब? यूपी जिला। यूपी, यूपी से आए हुए हैं भाई साहब, देख सकते हैं आप, हनुमानगढ़ में काफ़ी दूर से आए हुए हैं। सिर्फ ये पशुओं के लिए, गाय भैंस, अच्छा गाय भैंस घोड़ा घोड़ी बकरी बकरा, ठीक है, किसी भी पशु के लिए। ये मसाला, अच्छा ये मसाला है क्या? हाँ जी सारा, 40 प्रकार का 20 से तैयार करके देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारा कुछ पशुओं के लिए चारा है, मसाला वगैरह है, आप देख लीजिए। और यूपी से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं भाई साहब, बहुत प्रकार के ये सब ये हैं जो आप देख सकते हैं, क्या कुछ है अपने को तो यहाँ कुछ पता ही नहीं है क्या कुछ है। बहुत ही बढ़िया है, खाना खाने के बाद। तो मेले में दोस्तों बहुत ही बढ़िया सुविधा है, यहाँ पे होटल वगैरह सब कुछ खुले हुए हैं और काफ़ी माहौल अच्छा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी कुछ है यहाँ पर, नाश्ता पानी जो भी मर्जी आप कर सकते हैं, पकौड़े जलेबी सब कुछ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पर ना मिलेगी। और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं अपने, जूस वगैरह कुछ भी आप पी सकते हैं,
देख सकते हैं आप दोस्तों, ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा भी है यहाँ पर। पनीर पकौड़ा है क्या? पनीर पकौड़ा है, ब्रेड पकौड़े, आलू पालक दे गोभी है, ब्रेड का की रेट है 50 रुपये बब्बी दे दे यार, हाँ 20 के दे दो कड़े लेने यार, आलू पालक दे के खा दे दोस्तों। पैसे तो है लेकिन अपने 20 रुपए के ले रहे हैं क्योंकि अभी सर दर्द कर रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, तो 20 रुपए के बहुत हैं, चेक करके देखते एक बार। सो दोस्तों देख सकते हैं आप, एंटर जैसे ही करते हैं मेले में तो मेले में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और अभी हमने थोड़े से पकौड़े खाए, और पकौड़े खाने के बाद अभी थोड़ा और शूट कर लेते हैं, आ जाइए। तो दोस्तों ये भी अंकल शायद यूपी से आए हुए लग रहे हैं मेरे को, यूपी से आए ना, हाँ ये भी यूपी से आए हुए हैं, ये पशुओं का चारा, ये मसाले हैं, बताया था मेरे को पहले भाई साहब ने, मसाले हैं ये पशुओं के, बकरी भैंस वगैरह सभी के लिए, घोड़ा, ठीक है। तो ये उनके नंबर वगैरह सब, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं दवाइयाँ रखी हुई हैं घोड़ों के लिए, दवाइयाँ हैं ये, और ये नीचे इनके एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, देखिए यूनिकल शर्मा प्राइवेट लिमिटेड वेलकम यू स्टूडेंट, और यहाँ पर कंपनी वाले भाई साहब बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनके दवाइयाँ वगैरह सब कुछ, और ऊपर आप देखते हैं अवश्य कल्याण जागरूक कृषि स्थान बठनेर हनुमानगढ़, आगे भी अंकल बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी दवाइयाँ वगैरह ही हैं, आप देख सकते हैं बठनेर अवश्य मेला पशु चिकित्सालय। सो दोस्तों ये ट्रैक तैयार किया जा रहा है, कल प्रतियोगिता होगी, आज तो होगी नहीं, कल होगी, तो कृपया कमेटी मेंबर में ध्यान दें, कल आएंगे। सो दोस्तों यहाँ पर बैठने के लिए कुछ जगह बनाई गई, और कल यहाँ पर प्रतियोगिता होगी, और कितने बजे होगी ये पता नहीं है अपने को, तो या तो किसी से पूछ लेते हैं। बस अब कितने बजे होगी प्रतियोगिता कल? 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी। 10 बजे? सो 10 बजे कल प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाएगी, तो कल अपने शूट करेंगे दोबारा, आज के लिए दोस्तों इतना ही।